क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखिए, गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए। तो दोस्तों इसको देखिएगा, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए कैसे करते हैं इसको। अगर अपने पास मिश्रित बिंदु दे रखी है तो गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, एकाधिकन में क्या होना चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए आगे वाली, ये 31 और इधर भी 31, और अगर भिन्न है तो भिन्न है तो इनको जोड़ कितने पर एक आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। 1/6 + 5/6 करेंगे अगर जब अपन, तो नीचे हर समान है तो 6 का 6 आ जाएगा, लस पर कितना आ जाएगा लघुत्तम 6, और 1 + 5 6, 6 में 6 का भाग दें तो 1 आ जाएगा। तो उसको एकाधिकन से अपन गुणा कर सकते हैं। तो 31 को किससे करेंगे, 31 से नहीं करके किससे करेंगे, 32 से गुणा करेंगे। तो 31 को तो 32 से एक अधिक से, और इन पीछे वालों को जैसे है वैसे ही गुणा कर दीजिए आप। तो देखिए कितना आ जाएगा, 31 को अपन 32 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 992, और 1 का गुणा आप 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 6 का 6 से करेंगे तो 36, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 6ठा क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ भी 1 और ये भी 1, तो ये एकाधिकन से हो जाएगा, और पीछे वाली दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या तो 10 बनना चाहिए या 100 बनना चाहिए, तो ये 0, 3 और 97 100 बन रहा है तो ये एकाधिकन से हो जाएगा। तो अपन कैसे करेंगे, जो अपने पास मिल रही है उसको तो 1 को 1 से नहीं, 1 को 2 से, और बाकी दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 को आप 97 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, 3 को देखिए 3 7 21, 82 लग जाएगी, 3 9 18 और 2 3 9 27 और 2 29। ठीक है, ये कितनी संख्या है, 4 है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 संख्या आनी चाहिए, और 1 × 2 करेंगे तो 2, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी गुणा करना है लेकिन सूत्र निखिलम से गुणा करना है। तो दोस्तों देखिए निखिलम से कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले आप दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, 54 और 56। ठीक है, दोनों संख्याओं को लिख लिया आपने। अब दोस्तों इनमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो इनका आधार कितना होगा दोस्तों, आधार कितना होगा इनका, आधार होगा अपना 10। ठीक है, आधार कितना होगा 10, अगर इनमें 3 अंक होते तो 100 होता, और इस 1 की जगह कितना आ रहा है दोस्तों 5, तो इसमें उपाधार होगा, कितना होगा, उपाधार भी होगा, उपाधार कितना होगा दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, ये 50 के आसपास है, तो उपाधार कितना है अपना 5 × 10, मतलब कितना 50। ठीक है, और ये जो संख्या है, ये जो अंक आ रहा है, ये कितना हो जाएगा उपाधार, इसको क्या बोलते हैं, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक कितना आ गया अपने पास 5, और फिर इसके अंदर अपन निकालेंगे विचलन। विचलन किससे निकलता है, अगर आधार हो तो आधार से, और उपाधार आ जाए तो फिर अपन उपाधार से देखते हैं। तो उपाधार अपने पास कितना है 50, 50 से अपन इनका विचलन देखेंगे दोनों का। तो 50 का देखो 54 से विचलन देखिए आप पहले, तो 54 और 50 इन दोनों में विचलन कितना है दोस्तों, विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार, और आधार हो तो संख्या माइनस आधार। तो संख्या में से आधार माइनस करो आप, तो 54 - 50 तो कितना आएगा दोस्तों 4। ठीक है, और किसका आएगा प्लस का। ठीक है, फिर ये 56 और 50, तो ये कितना बड़ा है संख्या, 6 बड़ी है, और छोटी होती तो -6 और -4 आ जाता। फिर आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, इस लाइन के आपको 2 भाग करने हैं। इस भाग के अंदर तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है आपस में, जो आपके दोनों विचलन हैं, और इसके अंदर आपको किसी को भी एक को लिख लीजिए। अगर आप ये संख्या लिख रहे हो तो इसके साथ ये विचलन, और अगर आप 56 लिख रहे हो तो इसके साथ 54 का विचलन आपको लिखना है। तो मैं आपको 54 के साथ 6 लिख रहा हूँ, तो जैसा हो वैसा लिख दीजिए, 54 + 6 तो + 6, -6 हो तो -6। ठीक है, और यहाँ आपको उपाधार अंक से क्या करना है, गुणा करना है। उपाधार अंक कितना है दोस्तों अपना 5। ठीक है, तो देखिए इसको फिर आगे कैसे हल करेंगे, 54 और 6 कितने हो गए दोस्तों 60 × 5, और ये कितना हो गया इधर अपने 24, और देखो 5 × 60 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 300, और इधर कितना है अपने पास 24। फिर देखिए दोस्तों इसके अंदर अपने पास आधार कितना था 10, तो 10 में कितनी जीरो होती है 1, तो अपन 1 की संख्या इधर ले सकते हैं, दूसरी संख्या अपने को इधर इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 2 अपने पास इधर इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 302
दो और चार का चार, और ये अपना दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न भी अपने को सूत्र निकलम से गुणा करना है, 108 गुणा 112। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए 108 और 112। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर आधार कितना है दोस्तों, आधार अपना है ये तीन संख्या वाली, तीन वाली संख्या है ना, तो इसका आधार कितना होगा 100। ठीक है, और यहाँ अपने पास एक ही है, 100 में भी एक ही होता है, तो उपाधार इसमें होगा नहीं। फिर इसके अंदर अपने पास डायरेक्ट क्या निकलेगा, विचलन। ठीक है, अब विचलन देखिए संख्या माइनस आधार, तो इस 108 और 100 कितना आ गया प्लस 8, और 112 और 100 तो कितना प्लस 12। तो यहाँ लिख दीजिए 108 का इससे विचलन कितना है 100 से 8, और इसका एक कितना है 12। फिर आप एक लाइन खींच दीजिए इसे। ठीक है, फिर देखिए इधर इस तरफ क्या करना है, दो भाग करने हैं, इधर इन दोनों को आपस में गुणा करना है 8 गुणा 12। इधर आपको इसको इसके साथ लिखना है, एक संख्या और दूसरे का विचलन। ठीक है, 108 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, और 12 गुणा 8 कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। ठीक है, और अब देखिए अपने पास आधार भी 100 है, 100 में कितने जीरो होती है 2, तो अपन दो अंक लिख सकते हैं, तो इधर अपने को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न संख्या 9, 137 गुणा 9999 को गुणा करना है, और इधर 10 में 46 को 99 से गुणा करना है, और सूत्र कौन सा लगाना है, एक न्यूनयन पूर्वेण, एक न्यूनयन पूर्वेण, पूर्व वाले में से एक न्यून करना है, पूर्व वाला कौन सा है 137। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको, इसमें से अपने को क्या करना है, एक न्यून करना है, तो 137 में से एक न्यून मतलब कम करना है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करना है कि जो अपने पास संख्या लिखी हुई है ये संख्या हमेशा 9 ही होगी, एक बार 9, दो, तीन, चार बार, लेकिन सभी 9 ही होगी। ठीक है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, इसमें से आपको इसी को माइनस करना है, तो ये कितना है 137 माइनस 1, तो 137 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 136। इधर क्या करेंगे 9, 9, 9 और 9 माइनस 136। ठीक है, इधर देखिए 9999 से माइनस करेंगे इसको, तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8, और 9 का 9 और 6 3 1। ठीक है, फिर देखिए 10वां प्रश्न, 46 में से एक कम करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ इस 99 में से इसी को माइनस कर देंगे, तो आप इसको डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हो, आपको पता है कितना आएगा 45 ही आएगा, तो ये कितना आ गया 45, और 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, और 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 5, और ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 365 गुणा 143, इसको सूत्र ऊर्ध्व तिरेक अभ्याम से अपने को गुणा करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको तीन को इस एक के नीचे, तीन और एक को लिख लीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, उसके बाद में इसके दो नंबर और इसके दो नंबर, ठीक है, फिर इसके भी तीनों और इसके भी तीनों नंबर, उसके बाद में इसके दोनों नंबरों को छोड़िए आगे वालों को, और दोनों पीछे वाले नंबर लिखिए 62 और इधर 43, उसके बाद में इसका भी एक नंबर और इसका भी एक नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या करना है अपने को, इसको इससे गुणा करना है आपस में, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, इधर इसको इससे गुणा करना है, और इनको गुणा करना है। ठीक है, उसके बाद में दो को तो आपस में गुणा करना है तिरछा गुणा, और इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसके नीचे फिर एक लाइन खींचिए। ठीक है, फिर देखिए कैसे गुणा करेंगे इसको,
तीन गुणा पीछे से करिए आप, दो गुणा तीन छः, छः गुणा तीन अट्ठारह, दो चार गुणा दो आठ, इधर देखिए तीन गुणा तीन नौ प्लस छः गुणा चार चौबीस प्लस एक गुणा दो दो, तीन गुणा चार बारह, एक गुणा छः छः, तीन गुणा एक तीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, मतलब तीन का तीन बारह और छः अट्ठारह, फिर यहाँ देखिए आप नौ और चौबीस कितने हो जाएंगे, तैंतीस और दो पैंतीस, अट्ठारह और आठ छब्बीस, छः का छः। फिर देखिए इसमें अपन केवल एक ही संख्या लिखनी है, ठीक है, छः का छः और ये छः का छः, ये दो अपने पास इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा पैंतीस और दो सैंतीस, पैंतीस और दो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये दो इधर जुड़ जाएगा ना, तो पैंतीस और दो कितना हो जाएगा सैंतीस, तो सैंतीस का सात यहाँ पे, ठीक है, और ये तीन इधर, जब तीन इधर अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इक्कीस, ठीक है, इस इक्कीस का एक यहाँ पे और ये दो इधर, कितना हो जाएगा पाँच, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 51,766। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 2413 गुणा 3124, इसको भी अपन को सूत्र उधर्वती रेखा से गुणा करना है, ठीक है, वैसे ही करेंगे अपन, दो और तीन, दो के नीचे तीन, फिर 24 और इधर 31, दो दो संख्या लेंगे, उसके बाद इसकी तीन और इसकी तीन लेंगे, फिर अपन चार चार संख्या लेंगे, फिर इसकी तीन और इसकी तीन लेंगे, ठीक है, पीछे वाली, फिर इसकी दो पीछे वाली और इसकी दो पीछे वाली लेंगे, फिर इनकी लास्ट वाली संख्या लेंगे, फिर दो देखिए दोस्तों एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इनको आपको आपस में गुणा करना है, इनको आपको तिरछा गुणा करना है, तीनों लोग कैसे करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को, फिर देखिए चार वालों को आप कैसे करेंगे, इनको फिर इनमें भी एक क्रॉस, फिर इनको तीन वालों को आप जानते ही हैं, दो वालों को तिरछा, ठीक है, तीन गुणा चार कितना आ जाएगा दोस्तों बारह, एक गुणा चार चार प्लस दो गुणा तीन छः, ठीक है, चार गुणा चार दोस्तों आ जाएगा अपने पास सोलह, एक गुणा दो दो और एक गुणा तीन तीन, ठीक है, दो गुणा चार अपने पास हो जाएगा आठ प्लस उसके बाद में चार गुणा दो अपने पास हो जाएगा आठ, एक गुणा एक एक, तीन गुणा तीन नौ, फिर देखिए दो गुणा दो चार, चार गुणा एक चार, तीन गुणा एक तीन, दो गुणा एक दो, तीन गुणा चार बारह, दो गुणा तीन छः, ठीक है, फिर देखिए इनको एक बार आप जोड़ लीजिए, बारह चार और छः दस, सोलह और दो अठारह और तीन इक्कीस, आठ और आठ सोलह और एक सत्रह, सत्रह और नौ छब्बीस, चार और चार आठ और तीन ग्यारह, बारह और दो चौदह, छः का छः, ठीक है, दो का दो, ये किधर आ जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा ग्यारह, तो ग्यारह का एक यहाँ पे और एक इधर शिफ्ट, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाईस, बाईस का दो, ये दो इधर शिफ्ट, तो हो जाएगा अट्ठाईस, अट्ठाईस का आठ दो इधर शिफ्ट, तो कितना हो जाएगा तेरह, तेरह का तीन एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये पंद्रह, पंद्रह का पाँच और एक आपको इधर शिफ्ट करना है, तो कितना हो जाएगा ये सात, ठीक है, कितना हो जाएगा सात, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये अपना जितने भी गुणा थे अपने को सूत्र निखिलम से, एकाधिकेन पूर्वेण से, एक न्यून पूर्वेण से, सूत्र उदृत्याम से, वैदिक विधि से अपने को माइनस करना और वैदिक विधि से योग शून्यांत विधि से, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है ना। ये एक बार यहाँ देख लीजिएगा आप, इनको क्या करना है, 12 10 जोड़ेंगे ना अपन, ठीक है, ये 26 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 14 और ये 6, फिर इनको आपको वैसे जोड़ना है, 2 का 2 एक इधर हो जाएगा, तो 11 11 का एक यहाँ पे और एक इधर, तो ये 22, फिर 22 का 2 इधर, 28 हो जाएगा, 28 का 8 यहाँ लिख देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 13, फिर एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 15 15 का 5 और इसका एक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 7, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।